गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ और 69 वर्ष पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 26 जनवरी 1949 को जब देश के संविधान निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के कार्य को पूरा करके संविधान जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि मैंने संविधान निर्माण का कार्य पूरा करके आपको दे दिया है, अब यह संविधान कितना सफल होता है यह इसके मानने वालों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा था कि चाहे किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा यदि उसको मानने वाले और पालन करने वाले लोग होंगे। और किसी भी राष्ट्र का संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अंततः अच्छा साबित होगा यदि उसके पालन करने वाले लोग अच्छे या उसका पूर्णता से पालन किया जा रहा है। उनकी संविधान की संकल्पनाओं में था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मूल मंत्र हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मूल मंत्र हो, भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र पूर्णिय स्वतंत्र हो, न्याय से न वंचित कोई नागरिक रहे यहां, ऐसा सुखदायी मेरा देश गणतंत्र हो। हमारे देश की संकल्पना में सांप्रदायिकता नहीं थी, हमारे देश की संकल्पना में समाजवाद था, हमारे देश की संकल्पनाओं में वो भारत था जहां अनवर जलालपुरी नामक एक शायर हिंदुओं के सबसे पवित्र धर्मग्रंथ गीता का उर्दू में अनुवाद करते थे। हमारे संविधान की संकल्पनाओं में वो अल्लामा इकबाल हैं जिन्होंने राष्ट्रभक्ति के सबसे खूबसूरत तराने सारे यहां से अच्छे को रचे। हमारे संविधान की संकल्पनाओं में वो बिगड़ी जुल्फों वाले कलाम हैं जिनकी जुल्फों की एक झटके से मिसाइल निकल आती थी और हिंदू बहुल राष्ट्र में अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति हमारे कलाम साहब हुए हैं। और उस संविधान की संकल्पनाओं में मंजर भोपाली नाम का वो शायर है जो ये कहता है कि तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। अब आपकी खिदमत में कुछ शेर पेश है, एक बार ताली बजा दो। आतंकियों की हिमाकत की औकात नहीं होती, आतंकियों की यू हिमाकत की औकात नहीं होती, तू हिंदू मैं मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं होती, तौर रखा है सियासत ने हमको मजहब के तराजू में, तौर रखा है सियासत ने हमको मजहब के तराजू में, वरना देश भक्त बेमजहब और गद्दार की कोई होती कि देश में द्रोहियों की भुजाएं बढ़ गई हैं, देश में द्रोहियों की भुजाएं बढ़ गई हैं, आजादी के वृक्ष की जड़ें सड़ गई हैं, मुमकिन नहीं है निपटना इन सदनों से, मुमकिन नहीं है निपटना इन सदनों से, भारत राष्ट्र को तेरी जरूरत पड़ गई है। तकदीर के मुल्क को अब कभी सोने नहीं देंगे, तकदीर के मुल्क को अब कभी सोने नहीं देंगे, अब जमीन अपनी को गुलाम होने नहीं देंगे। एकता जीवित है सदियों से हमारे देश की, एकता जीवित है सदियों से हमारे देश की, चोला बसंती है इसे भगवाया हरा होने नहीं देंगे, सरहद पे खड़े बेटों की बात ही कुछ और है, सरहद पे खड़े बेटों की बात ही कुछ और है, वतन माशूक से मोहब्बत की बात ही कुछ और है।
मजहब परस्ती का जुनून भी ठीक होगा अपनी जगह, मजहब परस्ती का जुनून भी ठीक होगा अपनी जगह, मगर वतन परस्ती के जज्बे की बात नहीं कुछ और, मगर वतन परस्ती के जज्बे की बात नहीं कुछ और है कि करले सितम कि करले सितम कि है सितम की इंतहा जब तक, करले सितम कि है सितम की इंतहा जब तक, करूंगा बर्दाश्त कि है जामे जाए जब तक। वतन परस्ती को भी तूने मजहबी बना डाला, वतन परस्ती को भी तूने मजहबी बना डाला, परवाने तो आते रहेंगे कि चलेगी समा जब तक, परवाने तो आते रहेंगे कि चलेगी समा जब तक। कि गुजारिश है धर्म को धन्ना बनाना बंद करो, गुजारिश है कि धर्म को धंधा बनाना बंद करो, गुजारिश है मजहब को गंदा बनाना बंद करो। सियासत तो गद्दी पर कातिल भी बिठा देती है, सियासत तो गद्दी पर कातिल भी बिठा देती है, पर गुजारिश है कि जुगनू को चंदा बनाना बंद करो, गुजारिश है कि जुगनू को चंदा बनाना बंद करो। अब एक 30-35 सेकंड की एक गजल है, उसके बाद एक 4 पंक्तियों की शायरी, तो फिर कि चलो इस बार सियासियों को आईना दिखाया जाए, चलो इस बार सियासियों को आईना दिखाया जाए, मजलूम को मजलूम का रहनुमा बनाया, चलो इस बार सियासियों को आईना दिखाया जाए, मजलूम को मजलूम का रहनुमा बनाया जाए। एक अरसे से कोस रहे हो जिंदगी की बेकारी को, एक अरसे से कोस रहे हो जिंदगी की बेकारी को, बेकार हम भी हैं चलो परिंदों को दाना चुमाया जाए, बेकार हम भी हैं कि चलो परिंदों को दाना चुमाया जाए। जिंदगी में कईयों का मिलना बिछड़ना होता है, जिंदगी में कईयों का मिलना बिछड़ना होता है, पर सच है कि जहां सच जाए वहां साया जाए, पर सच है कि जहां सच जाए वहां साया जाए। लबों पे इंसान के तबस्सुम अता करो न करो, लबों पे इंसान के तबस्सुम अता करो न करो, निश्चय करो कि जख्मों को न दुखाया जाए, निश्चय करो कि जख्मों को न दुखाया जाए। साहब तो कम नमक मिर्च की परवाह करते हैं, साहब तो कम नमक मिर्च की परवाह करते हैं, फकीर सोचता है कि क्या पकाया जाए। साहब तो कम नमक मिर्च की परवाह करते हैं, फकीर सोचता है कि क्या पकाया जाए क्या खाया जाए। अब रिश्ते नाते भी कुछ सूने सूने हो गए, अब रिश्ते नाते भी कुछ सूने सूने हो गए हैं, समझ में नहीं आता। अब रिश्ते नाते भी कुछ सूने सूने हो गए हैं, समझ में नहीं आता कि कहां आया जाया जाए। इश्क मोहब्बत में भी वफा बस चंद रोज की है, इश्क मोहब्बत में भी वफा बस चंद रोज की ही है, ये फिजूल का रिश्ता उसे दिखाया। अंतिम शायरी आदमियों के आशीर्वाद से विदा देना, ऐ सरयू तेरा पानी किस कदर डरा नहीं होता। ये सारी मुझे प्रासंगिक लगी इसलिए इसे समापन कर रहा हूं कि ऐ सरयू तेरा पानी किस कदर